नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर अरूप। मेरे यूट्यूब चैनल डॉक्टर अरूप्स हेल्थ फ्रेंड में एक बार फिर से आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। आज मैं टीथिंग प्रॉब्लम्स के बारे में, बच्चे के जब नए दांत आते हैं उसमें किस प्रकार के लक्षण और कठिनाइयां आ सकती हैं, उसके बारे में कुछ विस्तृत जानकारी इस वीडियो के माध्यम से देने के लिए आपके समक्ष आया हूँ। इससे पहले कि वीडियो स्टार्ट करूं, अगर आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले इस चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे मेरे द्वारा दिए गए हर हेल्थ अपडेट से आप खुद को अपडेटेड रख सके। इसके अलावा मेरे वीडियो को देखने के बाद अगर आपको अच्छा लगता है तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। मेरे वीडियो को देखने के बाद आपके मन में कोई भी स्वास्थ्य संबंधी सवाल या सुझाव हो उसे कमेंट बॉक्स पर ज़रूर लिख के भेज सकते हैं। टीथिंग, दांत निकलना जब बच्चे का स्टार्ट होता है तो वो एक तरीके से कई तरह के अनुभव एक माता के लिए भी और एक बच्चे के लिए भी और बच्चे के परिवार के लिए भी एक नया अनुभूति और अनुभव के रूप में भी होता है। टीथिंग किसे कहते हैं? जब भी गम लाइंस में मसूड़ों से जब दांत निकलने की स्थिति बनती है या दांत पहले निकलना चालू हो जाता है उसे ही टीथिंग प्रोसेस, दांत निकलने की प्रक्रिया कहा जाता है। ये प्रक्रिया जो है हर बच्चे में अलग अलग हो सकता है। 4 से 7 महीने के आयु वर्ग में कई बार बच्चों के दांत निकल जाते हैं, लेकिन ये कोई आवश्यक नहीं है। कई बार हमारे क्लिनिक्स में आकर के मदर्स या पेरेंट्स या बच्चे के पापा पूछते रहते हैं कि हमारे बच्चे का 1 साल हो गया अभी भी दांत नहीं निकला है, तो इसमें कोई डरने की बात तो नहीं है? नहीं डरने की बात है। 4 से 7 महीने में अधिकांश बच्चों के आ जाते हैं। अगर किसी के नहीं भी आए हैं तो वो 12 से 14 महीने के बीच में बच्चे के दांत लगभग 1 से 2 दांत जरूर आ जाते हैं। दांत निकलने की जो प्रक्रिया है वो प्रक्रिया कई बार जो है बिना लक्षण के भी रहते हैं, स्वाभाविक तौर पे बच्चे का दांत निकल करके आ जाता है। और कई बार जो है इस प्रक्रिया में कई तरह के लक्षण या कई तरह के कठिनाइयाँ भी पैदा हो सकती हैं। आमतौर पर दांत निकलने की प्रक्रिया को जो है ओडोंटियासिस नाम से मेडिकल टर्म में भी बताया जाता है। जब भी बच्चे के दांत निकलने के दौरान पीरियड जब चालू होता है तो बच्चे कई तरह के ऐसे लक्षण जो है वो दिखाते हैं या हमें महसूस करने हो सकते हैं। उन लक्षणों को आप बिल्कुल नज़रअंदाज न करें, उन लक्षणों को आपको ज़रूर समझना चाहिए। विशेषकर बच्चे के जो मदर हैं और फादर हैं और उसके घर वाले लोग हैं उनको ज़रूर जानना चाहिए। आमतौर पे मैं उन लक्षणों के बारे में जानकारी दूंगा। जैसे ही बच्चे के दांत निकलने वाले होते हैं तो उसके मसूड़े जो हैं दांत के वो हार्ड हो जाएंगे। आमतौर पे बच्चे का जो पहला दांत है वो लोअर पोर्शन में 1 से 2 निकलते हैं अधिकांश बच्चों के, तो आप देखेंगे कि लोअर पोर्शन में जो मसूड़ा है वो हार्ड हो गया है, फिर वो लालपन हो गया है, बिल्कुल लाल जैसा नज़र आने लगेगा। उसके साथ साथ आपको ऐसा दिखेगा कि बच्चा जो है थोड़ा चिड़चिड़ा टेंडेंसी में है, थोड़ा फूसीनेस और इरिटेबल टेंडेंसी शो करेगा, उतना खुश मिजाज नहीं लगेगा, बीच बीच में रोएगा। अक्सर बच्चे रात को चीख चीख के रोने लगते हैं, हल्का पेट दर्द महसूस करा सकता है बच्चा, कई बार 101 डिग्री तक फीवर टेम्परेचर रेज हो सकता है। कुछ भी चीज़ नीचे पड़ा हुआ है, कुछ भी चीज़ मिलेगा तो उस चीज़ को लेकर के वो मुंह में डालने की कोशिश करेगा। इवन माँ के हाथ को भी या पिता के हाथ को भी वो मुंह के अंदर डाल करके मसूड़े में डाल करके चबाने की कोशिश करेगा। कई बार ऐसा देखा गया है कि बच्चा जो है कई तरह की ऐसी चीज़ें भी होती हैं जिन चीज़ों को वो जो है जो बच्चे के मूवमेंट नहीं डालना चाहिए, वो धारदार या कोई हार्ड सब्सटेंस है वो सब्सटेंस को भी वो मुंह में डाल करके वो चबाने की कोशिश करेगा। मतलब उसको इतनी बेचैनी महसूस रहेगा कि उसको चबा करके या उसको मुंह में डाल करके उसको थोड़ा रिलैक्सेशन महसूस होता है। इसके साथ साथ ये भी देखा गया है कि कई बार बच्चे का ड्रूलिंग, मतलब मुँह से जो सलाइवा है, लार जो है वो टपकने की टेंडेंसी ज़्यादा होती है, उस पीरियड में ज़्यादा टपकेगा और कई बार रैशेस उस लार से जो है उस सलाइवा से जो है वो रैशेस जैसे भी बन जाते हैं, दाने जैसे भी बनने लग जाते हैं। बेसिकली ये सब इसके मुख्य लक्षण हैं। इसके अलावा भी कुछ
ऐसे लक्षण हैं जो कुछ बच्चों में सीवियर होते हैं, जैसे डायरिया के लक्षण, दस्त होने के लक्षण, काफ़ी दिनों से लूज मोशन, वाटरी स्टूल होना, उल्टी का होना, रुक रुक के पेट दर्द का होना। अगर इस प्रकार के कोई भी लक्षण आपको मिल रहे हैं और बच्चा बिल्कुल रोता रह रहा है, रात को उठ करके कंटिन्यू रो रहा है, और बच्चे को जो है बिल्कुल इस तरह की टेंडेंसी है जो उसकी पॉजिटिविटी, मतलब जो पहले हंस रहा था, खेल रहा था, वो पॉजिटिविटी की टेंडेंसी अगर नहीं है बच्चे के अंदर, और बिल्कुल वो डल हो रखा है, और उसके मुंह के अंदर भी हर एक सामान को देख करके वो बराबर चबाने की कोशिश कर रहा है, तो आपको बिल्कुल सचेत हो जाना चाहिए। बेहतर है कि आप उसके अनुकूल जो है दांत निकलने के वक्त में आप अपने नज़दीक के डॉक्टर से मिलिए, उसके लक्षणों को आप मेंशन कीजिए। अगर कैल्शियम की सप्लीमेंटेशन टीथिंग के लिए आवश्यक है तो डॉक्टर ज़रूर आपको सजेस्ट करेंगे। आप अपने सेल्फ से उसको कोई ऐसी दवाइयाँ परचेस करके नहीं दीजिए खुद से, कि जिससे क्या है उसकी दांत निकलने की प्रक्रिया में और ज़्यादा कठिनाइयाँ पैदा हो जाए और दूसरी बीमारी का कारण बन जाए। उसको आप जो है कोशिश कीजिए एप्पल का जो है जूस निकाल करके देने के लिए, कैल्शियम का सप्लीमेंटेशन के लिए मूंग दाल का वाटर, और अगर 6 महीना पूरा कर लिया है इस तरह के लक्षण मौजूद मिल रहे हैं तो थोड़ा वाटर का भी सप्लीमेंट कीजिए, जिससे उसको डिहाइड्रेशन ना हो ज़्यादा लूज मोशन हो करके। अगर आप बताए गए तरीके से चलेंगे और चिकित्सक के मार्गदर्शन में चलेंगे तो मुझे उम्मीद है बच्चे को खास कोई कठिनाइयाँ नहीं आएगा, और बिल्कुल आराम से नीचे के 2 दांत, उसके बाद में साइड के 2 दांत, और फिर उसके बाद में मोलर टीथ, फिर ऊपर के टीथ, इस तरीके से उसके 2 से 4 साल के अंदर बिल्कुल उसके टीथ जो है सब कुछ आ जाएगा और बच्चा बिल्कुल हेल्दी ही रहेगा विदाउट एनी प्री मेडिकल कंडीशन के, बिल्कुल स्वस्थ रहेगा। अगर आपको किसी भी चिकित्सक की सलाह या किसी भी तरीके से स्वास्थ्य संबंधी ट्रीटमेंट के लिए मुझसे मिलने की आपको आवश्यकता है तो मेरे 3 क्लिनिक्स का एड्रेस और मेरा व्हाट्सएप नंबर YouTube प्रोफाइल में दिया हुआ है, आप वहाँ से भी मुझ तक संपर्क कर सकते हैं। धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद।